गुरुकुल के ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। छतगण, विगत कक्षाओं में आप लोगों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला के बारे में जाना था। किन किन इमारतों का निर्माण हुआ था दिल्ली सल्तनत में? तुगलक वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोदी वंश की इमारतों के बारे में आपने जाना था। इस काल में हम लोग जानेंगे छतगण दिल्ली सल्तनत के साहित्य के बारे में, है ना। लिखेगा छतगण, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा फारसी थी। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के सबसे प्रमुख साहित्यकार अमीर खुसरो हेडिंग बनाएगा अपने नोट्स कॉपी में, खुसरो थे। नेक्स्ट, अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में, 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ था, उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ था। इन्हें निम्न उपाधियां दी गई थी। नंबर एक, भारत का तोता। नंबर दो, तूतीय हिंद। भारत का तोता नंबर एक, तूतीय हिंद नंबर दो। नेक्स्ट छतगण लिखेंगे, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि और इतिहासकार थे। इन्होंने दिल्ली सल्तनत के आठ सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। नेक्स्ट, इन्होंने निम्न आविष्कार किए थे। नंबर एक, तबला। नंबर दो, तबला। नंबर दो, भारतीय वीणा और ईरानी तंबूरा नमक वाद्यंत्र को मिलाकर इन्होंने सितार का आविष्कार किया था। नेक्स्ट, इन्हें कव्वाली का जन्मदाता भी कहा जाता है
इन्हें कव्वाली का जन्मदाता भी कहा जाता है। नेक्स्ट, ये दिल्ली सल्तनत के प्रथम साहित्यकार थे। ये दिल्ली सल्तनत के प्रथम साहित्यकार थे। ये दिल्ली सल्तनत के प्रथम साहित्यकार थे जिन्होंने अपनी लेखनी में हिंदी मुहावरों एवं खड़ी बोली बोली का प्रथम बार प्रयोग किया था। नेक्स्ट, अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। नेक्स्ट, अमीर खुसरो का मकबरा मकबरा दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया के मकबरे के समीप स्थित है। नेक्स्ट, अमीर खुसरो ने निम्न प्रमुख ग्रंथों की रचना की थी। नंबर एक, तुगलक नामा। नंबर दो, आशिका। दर्ज देकर लिखेगा, इस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां एवं देवल रानी के प्रेम प्रसंग का वर्णन है। नेक्स्ट, खजाइन उल फुतुह लिखे। इस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट, मिफ्ता उल फुतुह। नेक्स्ट, अगले ग्रंथ का नाम लिखेंगे, नूह सिपेहर। नेक्स्ट, अगले ग्रंथ का नाम लिखेंगे, तारीख ए अलाई। ये सभी ग्रंथ अमीर खुसरो के द्वारा छात्रगण लिखे गए हैं, जिसे आपको ध्यान रखना होगा, मनन करना होगा, एक एक चीजों को छात्रगण याद रखना होगा, एक एक चीजों को स्मरण करना होगा। पूछेगा, अमीर खुसरो का संबंध भारत के किस राज्य से था? उत्तर प्रदेश से। अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? 1253 में उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ था। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? अमीर खुसरो के गुरु थे निजामुद्दीन औलिया साहब।
छतगन, अमीर खुसरो को भारत का तोता या तूतीय हिंद कहा जाता है। साहित्य में इनके योगदानों को देखते हुए इन्हें भारत का तोता या तूतीय हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इसे भी छात्रगण आपको ध्यान रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा, इसे भी याद रखना होगा, इसे भी स्मरण करना होगा। छात्रगण, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, इसलिए एक एक चीजों पर पहले निगाहें रखनी होगी, एक एक चीजों को ध्यान देना होगा, एक एक चीजों को मनन करना होगा, एक एक चीजों को छात्रगण याद रखना होगा, एक एक चीजों को स्मरण करना होगा। छात्रगण, अमीर खुसरो ने जिन महत्वपूर्ण तथ्यों का आविष्कार किया है, जिन महत्वपूर्ण वाद्यंत्रों का आविष्कार किया है, वह वाद्यंत्र काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं भारतीय इतिहास में, ध्यान देंगे छात्रगण, और वह वाद्यंत्र भारतीय इतिहास के सुनहरे अक्षरों में अंकित हैं। छात्रगण, भारतीय वीणा और ईरानी तंबूरा को मिलाकर सितार का आविष्कार इन्होंने ही किया था। छात्रगण, आज पंडित रविशंकर का नाम आपने सुना होगा, जो कि प्रसिद्ध सितार वादक हैं। छात्रगण, सितार के आविष्कारक कौन थे? अमीर खुसरो थे। तबला, जो कि नाम सुना होगा आपने, उस्ताद जाकिर हुसैन का नाम, जो कि तबला वादक हैं, है ना, वो तबला का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। कव्वाली, जो आज अब हम लोग सुन रहे हैं छात्रगण, कव्वाली का जन्मदाता भी अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। छात्रगण, पहली बार उर्दू भाषा में, फारसी भाषा में हिंदी की खड़ी बोली और मुहावरों का प्रयोग करने वाले शख्सियत थे अमीर खुसरो। तो छात्रगण, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, ये भी मनन करना होगा, ये भी अध्ययन करना होगा, और एक एक चीजों को छात्रगण याद रखना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, इसलिए छात्रगण एक एक चीजों को पहले निगाह रखनी होगी, एक एक चीजों को ध्यान देना होगा, एक एक चीजों को याद रखना होगा, एक एक चीजों को स्मरण करना होगा, एक एक चीजों को अध्ययन करना होगा। तो छात्रगण, आपको ये सब चीजें ध्यान देनी होगी, ये सब चीजें याद रखनी होगी, इन सब चीजों को मनन करना होगा, इन सब चीजों का अध्ययन करना होगा, और एक एक चीजों को गौर करना होगा। प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए आपको इस पर पहले निगाहें रखनी होगी। छात्रगण, ध्यान दीजिएगा। छात्रगण, अमीर खुसरो ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे? आशिका नामक ग्रंथ लिखा, तुगलकनामा नामक ग्रंथ लिखा, खजाइनुल फुतू लिखा, मिफ्ताउल फुतू लिखा, है ना छात्रगण, नू सिपहर लिखा, तारीखे अलाई लिखा। ये सब ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए हैं? अमीर खुसरो के द्वारा लिखे गए हैं। अमीर खुसरो का मकबरा कहां है? दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया के समीप इनका भी मकबरा स्थित है, अमीर खुसरो का। तो छात्रगण, ये सारे चीजों को ध्यान दें, ये सारे चीजों को मनन करें, ये सारे चीजों को याद रखें। ये सभी चीजें प्रतियोगिता परीक्षाओं में जबरदस्त रूप से पूछी जाती है, इसलिए आपको इन सभी चीजों पर पैनी निगाह रखनी होगी, एक एक चीजों को ध्यान देना होगा, एक एक चीजों को मनन करना होगा, एक एक चीजों को याद रखना होगा। छात्रगण, प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही हिट क्वेश्चन है और जबरदस्त रूप से आता है, इसलिए आपको इस सब चीजों पर पैनी निगाह रखनी होगी और ध्यान देना होगा। छात्रगण, दूसरी बात जो आपको पूछी जाएगी, उसे भी ध्यान दीजिएगा, उसे भी मनन कीजिएगा, उसे भी स्मरण कीजिएगा और उसे भी याद रखिएगा। छात्रगण पूछेगा, अमीर खुसरो ने निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ नहीं लिखा था? ऑप्शन में देगा तुगलकनामा, दूसरा ऑप्शन में देगा नू सिपहर, तीसरा ऑप्शन में देगा खजाइन उल फुतूह, और चौथा ऑप्शन में देगा तारीखे फिरोजशाही। छात्रगण, तारीखे फिरोजशाही ग्रंथ के रचयिता ये नहीं थे, जियाउद्दीन बरनी थे, ध्यान रखेंगे छात्रगण। तो जब तक आप नहीं तैयार करोगे अमीर खुसरो के द्वारा लिखे गए ग्रंथों के नाम, तब तक आपसे इस प्रकार के प्रश्न हल नहीं हो पाएंगे छात्रगण। इसलिए अमीर खुसरो द्वारा लिखे गए सभी ग्रंथों के नाम को याद रखिए, चाहे वो तुगलक नामा हो, खजाइन उल फुतूह हो, मिफ्ता उल फुतूह हो, नू सिपहर हो, तारीखे अलाई हो, है ना, चाहे आशिका हो, ध्यान रखिएगा, है ना। एक ग्रंथ का नाम और इसमें बहा लीजिए छात्रगण, लैला मजनू, है ना। अमीर खुसरो का एक और ग्रंथ लिखेगा छात्रगण, सातवां ग्रंथ ये होगा आपका लैला मजनू, ध्यान देंगे, है ना, लिख लीजिएगा छात्रगण, लैला मजनू। मजनू, नेक्स्ट आइएगा छात्रगण, अगले साहित्यकार का नाम लिखेगा जियाउद्दीन बरनी,
जियाउद्दीन बरनी, बरनी लिखे। इन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ, इन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ तारीख ए फिरोजशाही, तारीख ए फिरोजशाही की रचना की थी। तारीख ए फिरोजशाही की रचना की थी। इन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ तारीख ए फिरोजशाही की रचना की थी। नेक्स्ट लिखेंगे छतगन, इन्होंने फतवा ए जहादारी, फतवा ए जहादारी, जहादारी नमक ग्रंथ की भी रचना की थी। नेक्स्ट अगले लेखक का नाम लिखेंगे छतगन, हसन निजामी लिखे। इन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ ताजुल मासीर, मासीर की रचना की थी। इन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ ताजुल मासीर की रचना की थी। नेक्स्ट अगले लेखक का नाम लिखेंगे छतगन, मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज। नजदीक लिखेगा, इन्होंने तबकाते नासिरी, तबकाते नासिरी नामक ग्रंथ की रचना की थी। तबकाते नासिरी नामक ग्रंथ की रचना की थी, ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट फुतुहाते फिरोजशाही, नहीं ऐसा लिखेगा, पहले लिखेगा फिरोजशाह तुगलक, लेखक का नाम पहले लिखना है ना, हाँ फिरोजशाह तुगलक लिखेगा। इन्होंने अपनी आत्मकथा फुतुहाते फिरोजशाही के नाम से, फुतुहाते फिरोजशाही के नाम से, फुतुहाते फिरोजशाही के नाम से लिखी थी, फुतुहाते फिरोजशाही के नाम से लिखी थी। नेक्स्ट इब्ने बतूता, पहले भी आप पढ़ चुके छात्रगण, लेकिन एक साथ आ जाता है इसलिए लिखाना पड़ रहा है। इन्होंने भारत यात्रा का विवरण, विवरण किताबुल रेहला, किताबुल रेहला
नामक ग्रंथ में लिखा है। किताबुल रहला नामक ग्रंथ में लिखा है नेक्स्ट अगले लेखक का नाम लिखेगा यहया बीन अहमद सनहिंदी। एक ही व्यक्ति का नाम है छतगन, मत सोचिएगा कितना लंबा नाम है तो अनेक व्यक्तियों का नाम होगा, है ना। ये एक ही व्यक्ति का नाम है यहया बीन अहमद सरहिंदी। अलग अलग व्यक्ति का नाम नहीं है, एक ही है, यहया बीन अहमद सरहिंदी। ठीक है, इन्होंने तारीखे मुबारक शाही, मुबारक शाही नमक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। तारीखे मुबारक शाही नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट चचनामा पहले नहीं लिखना है, पहले लिखेगा अबू बकर लिखे। इन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ चचनामा की रचना की थी। यह छतगन प्रमुख ग्रंथ जो कि लिखे गए थे आपको सल्तनत काल में, जिसको आपको ध्यान में रखना होगा, मनन करना होगा, याद रखना होगा और एक एक चीज़ों को गौर करना होगा, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है छतगन और ज़बरदस्त रूप से ये प्रतियोगिता परीक्षाओं में आता है, इसलिए आपको इस पर पैनी निगाह रखनी होगी और एक एक चीज़ों को ध्यान देना होगा। तो छतगन सल्तनतकालीन कला और संस्कृति के तहत हम लोगों ने दो भागों को पढ़ा छतगन, एक और अपने स्थापत्य कला के बारे में पूरा जाना, तो दूसरी और अपने साहित्य के बारे में भी पूरी बातों को जो है आत्मसात किया है। इसलिए जितने भी साहित्यकार के नाम लिखाए गए हैं, जितने भी ग्रंथों के नाम लिखाए गए हैं, उन सब को आपको याद रखना है। विशेष तौर पर अमीर खुसरो, जिसका मैंने डिटेल्स आपको लिखाया है, उस पर भी अपनी पैनी निगाहें बना करके रखनी है, उसे भी ध्यान देना है, उसे भी मनन करना है, उसे भी याद रखना है, उसे भी स्मरण करना है। तो छतगन ये सारे चीज़ों को याद रखें, ये सारे चीज़ों को मनन करें, इन सारे चीज़ों को अध्ययन करें, इन सारे चीज़ों को दिमाग में सेट कर लें। ये सारे नाम आपके जबान पे होने चाहिए छतगन, है ना। तारीखे फिरोशाही किसने लिखा है, तो जियाउद्दीन बदनी ने लिखा है, याद रखना होगा। फुतुहाते फिरोशाही किसकी आत्मकथा है, फिरोशा तुगलक की आत्मकथा है, ध्यान से रखना होगा एकदम छतगन, है ना। अमीर खुसरो ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं, तो आशिका, लैला मजनू, नूसी पेहर, मिफ्ता उल फुतू, खजाइन उल फुतू, है ना, तुगलकनामा, सब कुछ जबान पे याद रखे छतगन, कोई ऑप्शन नहीं, कोई विकल्प नहीं, है ना। यही है कॉम्पिटिशन, इसकी का नाम कॉम्पिटिशन है छतगन। कॉम्पिटिशन में वही जीतता है जो तैयारी को एक जबरदस्त रूप देता है, यही। इसलिए छतगन अपने कंपटीशन को एक विविध रूप दीजिए, एक बहुआयामी रूप दीजिए, ताकि आप सफलता के सर्वोच्च पायदान पर पहुंच सकें, सर्वोच्च सफलता के सर्वोच्च मंजिल को प्राप्त कर सकें। जैसे आपको छतगन ध्यान रखना होगा, मनन करना होगा और एक एक चीज़ों को छतगन गौर करना होगा, एक एक चीज़ों को स्मरण करना होगा, एक एक चीज़ों को ध्यान देना होगा, है ना। छतगन साहित्य के बाद हम लोग दिल्ली सल्तनत का प्रशासन के बारे में हम लोग छतगन जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके बाद अंतिम टॉपिक रहेगी दिल्ली सल्तनत की अर्थव्यवस्था, है ना। तो दिल्ली सल्तनत का प्रशासन हम लोग इसके बाद में छतगन अध्ययन करेंगे।
छत्रगण दिल्ली सल्तनत की कला और संस्कृति के पश्चात दिल्ली सल्तनत का प्रशासन हम लोग जानेंगे। छत्रगण दिल्ली सल्तनत के प्रशासन को हम लोग तीन भागों में विभाजित करते हैं, केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और ग्राम प्रशासन छत्रगण, है ना। छत्रगण दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय प्रशासन के तहत जिन महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोगों को जानना है, समझना है, आत्मसात करना है, उसे ध्यान रखिएगा। सबसे पहला लिखेगा छत्रगण सुल्तान, सुल्तान लिखिए। राजा को सुल्तान कहा जाता था, राजा को सुल्तान कहा जाता था, कहा जाता था। नेक्स्ट, सुल्तान सभी विभागों का सर्वोच्च पदाधिकारी होता था। नेक्स्ट, अमीर, अमीर लिखे। दिल्ली सल्तनत में प्रभावशाली पदों पर नियुक्त पदाधिकारियों को, प्रभावशाली पदों पर नियुक्त पदाधिकारियों को अमीर कहा जाता था। प्रभावशाली पदों पर नियुक्त पदाधिकारियों को अमीर कहा जाता था, कहा जाता था। ये काफी प्रभावशाली होते थे तथा सुल्तान पर इनका प्रभाव काफी होता था। नेक्स्ट, मंत्री परिषद लिखे। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस ए सल्तनत कहा जाता था, मजलिस ए सल्तनत कहा जाता था। नेक्स्ट, अगला लिखेगा छत्रगण वजीर लिखे। यह प्रधानमंत्री होता था तथा राजस्व विभाग एवं दीवाने विजारत विभाग का सर्वोच्च पदाधिकारी पदाधिकारी होता था, सर्वोच्च पदाधिकारी होता था। नेक्स्ट,
बख्शी। मीर बख्शी, मीर बख्शी ने लिखे, छात्रगण इसको ऐसा लिखेंगे, इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं, आरीज ए ममालिक, ए ममालिक। आरीज ए ममालिक यह सैन्य विभाग का सर्वोच्च पदाधिकारी था, सर्वोच्च पदाधिकारी था। हो गया कंप्लीट छात्रगण, वेरी गुड। सैन्य विभाग को दीवाने अर्ज, सैन्य विभाग को दीवाने अर्ज, अर्ज कहा जाता था। सैन्य विभाग को दीवाने अर्ज कहा जाता था। अर्ज कहा जाता था, कहा जाता था। सैन्य विभाग को दीवाने अर्ज कहा जाता था। इस विभाग की स्थापना, इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी, बलबन ने की थी। नेक्स्ट, बदीद ए ममालिक, बदीद ए ममालिक, ममालिक। देखिए, यह गुप्तचर विभाग का, गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च पदाधिकारी था, यह गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च पदाधिकारी था। नेक्स्ट, काजी उल कुजात, काजी उल कुजात, उल कुजात, कुजात। लिखे, यह न्याय विभाग का सर्वोच्च पदाधिकारी था, सर्वोच्च पदाधिकारी था। नेक्स्ट, मुस्तौफी ए ममालिक, मुस्तौफी ए ममालिक, ए ममालिक। लिखे, यह महालेखा परीक्षक था, यह महालेखा परीक्षक था, महालेखा परीक्षक था। नेक्स्ट, मुशरिफ ए ममालिक, मुशरिफ ए ममालिक, मुशरिफ ए ममालिक। ठीक है, यह आय व्यय, व्यय का लेखा जोखा रखने वाला, लेखा जोखा रखने वाला सर्वोच्च पदाधिकारी था।
नेक्स्ट, सद्र उस सुदूर, सद्र उस सुदूर, सद्र उस सुदूर, लिखिए। यह धार्मिक विभाग एवं दान विभाग का सर्वोच्च पदाधिकारी था। सर्वोच्च पदाधिकारी था। मजुमदार, मजुमदार, यह उधार लिए गए धन का हिसाब रखता था। नेक्स्ट, दीवाने मुस्तखराज, दीवाने मुस्तखराज, मुस्तखराज, लिखे। यह वित्त विभाग था जिसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। नेक्स्ट, दीवाने अमीर कोही, दीवाने अमीर कोही, यह कृषि विभाग था यह कृषि विभाग था जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। नेक्स्ट, दीवाने इस्तिहाक, इस्तिहाक, यह पेंशन विभाग था। यह पेंशन विभाग था जिसकी स्थापना या पेंशन विभाग था जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने की थी, की थी। नेक्स्ट, वकील ए दर, दर, देखिए, सुल्तान के व्यक्तिगत सेवाओं का
सुल्तान के व्यक्तिगत सेवाओं का निरीक्षण करता, निरीक्षण करता वकीले दर कहलाता था। तो यह है छतगन दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय प्रशासन के महत्वपूर्ण विभाग और उसके पदाधिकारियों के नाम, जिसको आपको ध्यान में रखना होगा, याद करना होगा, एक एक चीज़ों को छतगन मनन करना होगा, है ना, कि वजीर कौन था, तो प्रधानमंत्री था, वित्त विभाग का भी सर्वोच्च पदाधिकारी था जो कि दीवाने विजारत कहलाता था, है ना, सैन्य विभाग के सर्वोच्च पदाधिकारी को आरिज ममालिक कहते थे, दीवाने अज सैन्य विभाग को कहा जाता था जिसकी स्थापना बलबन ने की थी, दीवाने अमीर को ही कृषि विभाग था जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, दीवाने मुस्तकराज वित्त विभाग या राजस्व विभाग था जिसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, दीवाने इस्तेहाक पेंशन विभाग था जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ये सारी चीजें छतगन प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत ही जबरदस्त रूप से पूछी जाती हैं, इसलिए आपको इन सब चीज़ों पर पैनी निगाहें रखनी होगी, इन सब चीज़ों को ध्यान देना होगा, इन सभी बातों को मनन करना होगा, याद रखना होगा छतगन, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। छतगन केंद्रीय प्रशासन के पश्चात जो है अगली क्लासेस में छतगन हम लोग जानेंगे दिल्ली सल्तनत की के प्रांतीय प्रशासन और ग्राम प्रशासन के बारे में। तब तक के लिए आप सबों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों आशीर्वाद।